हर साल आईपीएल एक नए जोश और नई उम्मीद लेके आते हैं। इस बार आईपीएल दो नए टीम लेके आया, 8 नहीं 10 टीम यहाँ पे आमने सामने लड़ेंगे, जहाँ पे पहले मैच चेन्नई और कोलकाता के बीच में खेला जाएगा। दोस्तों क्या आप जानते हैं कोलकाता और चेन्नई के बीच में खेला जाने वाला जितने सारे मुकाबला हो चुके हैं, इसमें सबसे कांटे की टक्कर का मैच कौन सा रहा है? आज इस वीडियो में मैं आपको वो मैच को यहाँ पर शेयर करूँगा। तो दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग के बीच में जो मैच हुआ था, ये 10 अप्रैल 2018 में हुआ था। नाइट राइडर्स का होके क्रिस लिन और सुनील नारीन ओपन किए थे और यहाँ पे मिडिल ऑर्डर में रवीन उथप्पा, नितिश राणा और दिनेश कार्तिक के द्वारा बहुत ही शानदार बैटिंग देखने को मिला था। 14 ओवर में केकेआर का टीम ने 111 रन बनाया था। फिर आया था एंड्रो रसेल का मसल पावर। एंड्रो रसेल ने इस मैच में 16 गेंदों में अपना अर्धशतक बनाया था, 16 गेंदों में अर्धशतक, जिसमें उनका 6 छक्के शामिल थे। रसेल ने यहां पे इस मैच में 245 का स्ट्राइकर रेट लेते हुए 36 गेंदों में 11 छक्का जड़कर 88 रन बनाया था, जिसके बलबूते पे यहां पे केकेआर ने 20 ओवर में 202 रन का पहाड़ जैसे टोटल बनाया था। सुपर किंग यहाँ पर पीछे नहीं थे। सुपर किंग का होके अंबाती राइड और शेन वाटसन का बहुत ही लाजवाब ओपनिंग देखने को मिला था। वाटसन 42 तो राइडू ने 39 रन जोड़े, धोनी ने 25 तो राणा ने 14 रन बनाया। अंत में कुछ ओवर में सैम ब्लिनिंग और साथ में रविंद्र जडेजा का तूफानी बैटिंग देखने को मिला। अंतिम ओवर में जीतने के लिए 17 रनों की ज़रूरत था, ब्लिनिंग ने यहाँ पर छक्के जड़कर मैच को पूरा पलट दिया और 30 गेंदों में 56 रन बनाकर एक मैच विनिंग पारी खेल डाला। सैम ब्लिनिंग इस बार केकेआर की टीम का हिस्सा है और रसेल भी। तो क्या आपको लगता है इस बार चेन्नई के खिलाफ पहले मैच में केकेआर का पल्ला भारी हो सकता है? ज़रूर आप कमेंट करके बता सकते हैं अपना राय, कौन सा टीम जीतेगा इस महामुकाबला।